Record on this computer. Okay, so recording is on. Let's. Good evening, sir. Good evening, बेटा. अच्छा, तो शुरू करते हैं. ये बताओ, last class में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके थे अपना. Kepler's law हो गया था. Kepler's law हो गया था ना? सर आप बताए थे कि derivation of Newton's law of gravitation from Kepler's law कराएंगे. हाँ, मैंने बताया. सर एक बार केपलर केपलर का लास्ट दो लॉ फिक्स से समझा देंगे सर, मुझको प्रॉब्लम हो थोड़ा सा. ओके, देख लो भाई, समझ लो क्या होता है. सेकंड लॉ समझने में थोड़ा दिक्कत हो भी सकता, थर्ड लॉ तो बहुत आसान है. ठीक है सर, थर्ड लॉ दोनों बता दूंगा. ऐसे सेकंड लॉ क्या कहता है कि आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, उस बुक का डायग्राम यूज कर लेता हूं. देखिए, सेकंड लॉ कहता है कि देखो, हर प्लैनेट एक एलिप्स में घूम रहा है विद सन एट द फोकस, है ना, सेंटर. अब क्या हुआ, देखिए जरा, जब प्लैनेट, मान लीजिए अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, जब हम सेकंड लॉ लगा रहे हैं, हम एक बार में एक ही प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, हम अर्थ का मोशन और मार्स का मोशन और जुपिटर का मोशन आपस में कंपेयर नहीं करेंगे. ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज. हाँ सर. ओके, सो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अर्थ के मोशन को अर्थ के मोशन से ही, लेकिन समर्स के मोशन को विंटर के मोशन से. जब अर्थ सन के पास हो सकता, हमारे नदर हेमिस्फेयर में उस वक्त गर्मी पड़ती है जब अर्थ सन के पास होता है, और ठंड उस वक्त पड़ती है जब अर्थ सन से थोड़ा दूर होता है. ठीक है, तो समर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं विंटर्स से. ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि अगर आप एक महीना समर्स का लो और एक महीना विंटर्स का लो, दोनों में ये एंगल जो ट्रेवल करेगा वो तो अलग अलग होगा, बट ये जो एरिया बनाएगा अर्थ, मान लीजिए नवंबर के महीने में, नवंबर तो नवंबर ले लेते हैं, नवंबर के महीने में मान लीजिए अर्थ यहां से यहां गया, ठीक है, नवंबर के महीने में, और जून में अर्थ यहां से यहां आया. नवंबर में भी 30 डेज है, जून में भी 30 डेज. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नवंबर में यहां से यहां गया तो सन को, सन से अर्थ की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो, ये जो एरिया बनेगा, और जून में जो ये वाला एरिया बनेगा, ये दोनों एरिया सेम होंगे. ठीक है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब अगर मैं इस एरिया को ए बोल दूं, तो मैं कह रहा हूं कि डी ए बाय डी टी इज कांस्टेंट, ये कहना चाहता हूं मैं. रेट एट विच एरिया इज बीइंग स्वेप्ट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. ठीक है बेटा. हाँ सर. अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत बोलना कि सर अर्थ ने अगर एरिया ए स्वीप किया है तो मतलब जुपिटर भी एरिया ए स्वीप करेगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, कारण होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपको पता नहीं है, और क्लास 11 से पहले मैं बताऊंगा भी नहीं, ये थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ओके सर. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से ऐसा होता है. कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ law of conservation of momentum, law of conservation of angular momentum. तो नाम याद रख सकते हो आप, this is in accordance with law of conservation of angular momentum. ठीक है, okay. Second law clear है? हाँ sir. Yes sir. अब third law बात करता है दो planets के motion को compare करने के लिए. मतलब हम earth के motion को compare कर रहे हैं mars के motion से, earth के motion को compare कर रहे हैं jupiter के motion से, आपके क्या नाम है, मरकरी के मोशन को कंपेयर कर रहे हैं हम प्लूटो के मोशन से. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर. क्या कहता है ये, कि कहता है कि अगर हम पूरे साल की लंबाई लें किसी प्लैनेट के लिए, पूरे साल का मतलब एक प्लैनेट के लिए आप ईयर का कंपेयर, ईयर डिफाइन कर सकते हो, वो टाइम जितने में प्लैनेट अर्थ सन के अराउंड पूरा एक चक्कर काट ले. ठीक है, तो आपको पता है मरकरी कम दिनों में चक्कर काटता है,
वीनस उससे ज्यादा टाइम में चक्कर काटता है, अर्थ उससे और ज्यादा टाइम लेता है, पता है कि नहीं पता? हाँ सर। जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर जाते जाते हैं सन से, उनको एक चक्कर काटने में टाइम ज्यादा लगता है, ये बात मालूम है सबको? तो बेसिकली ये इसी एक चक्कर को कंपेयर करने की बात कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर सन से प्लैनेट का एवरेज डिस्टेंस आर है, सन से प्लैनेट का अगर एवरेज डिस्टेंस आर है, तो ये जो चक्कर काटने में एक टाइम लगेगा, जो लेंथ ऑफ वन ईयर होगा, दैट टाइम टी विल बी, उसका स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब कि टी वन स्क्वायर बाय टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन क्यूब बाय आर टू क्यूब। ये हमारा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। समझ में आई बात? Yes, मतलब yes, अर्थ, अर्थ का आपको पता है 365 दिन लगता है, ठीक है? अर्थ का डिस्टेंस आपको मालूम है सन से, मान लेते हैं, मान लेते हैं जुपिटर का डिस्टेंस आपको मालूम है आर टू, तो जुपिटर को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा टी टू। ठीक है सर, ये ऑर्बिटल पीरियड तो एक प्लैनेट के लिए सेम ही होगा, तो टी वन और टी टू कहाँ से? बेटा अलग अलग प्लैनेट को कंपेयर कर रहे हैं, टी वन अर्थ का, टी टू जुपिटर का। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। फर्स्ट लॉ में हम क्या कर रहे थे, हम बस ऑर्बिट का शेप बता रहे थे। सेकंड लॉ में हम लोगों ने एक प्लैनेट के मोशन को अलग अलग महीने में या अलग अलग टाइम पर प्लैनेट कैसे मूव कर रहा होगा वो समझने की कोशिश की। और थर्ड लॉ में हमने क्या समझने की कोशिश करी, थर्ड लॉ में हमने समझने की कोशिश करी कि दो प्लैनेट के मोशन आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ओके, तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग डिराइव करेंगे फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ, इतना चूक करते हैं, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अब देखो, ये जब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं तो मैं एक अजम्पशन लूंगा, क्या कि जो प्लैनेट, जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, आपका ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं है, क्योंकि इलिप्स के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं, हम करेंगे क्या उसका, है ना? तो अजम्पशन मेरा क्या है, अजम्पशन है सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, बेसिकली सर्कल इज अ टाइप ऑफ एलिप्स जिसमें दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाते हैं और उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो अजम्पशन क्या हमारा, सर्कुलर ऑर्बिट। अब सोचिए, ये हमारा सन सेंटर पे पड़ा हुआ बेचारा, इसके चारों तरफ हमारा लेट से कोई प्लैनेट घूम रहा है एक सर्कल में। ठीक है, सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया लेट से स्मॉल आर। ठीक, अब ये जो प्लैनेट है वो यहां पर है, इस प्लैनेट को, ये प्लैनेट सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट से स्पीड है इसकी v, इसके घूमने की स्पीड मान लेता हूं मैं v है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्लैनेट कर रहा है अराउंड सन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है प्लैनेट का अराउंड सन। तो आप मुझे बताइए, सन, सॉरी, ये प्लैनेट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या ये एक्सेलरेट, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है? सर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर बाय r, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, वर्ड सेंट्रीपेटल, सेंटर, सेंटर है ना। एक्सेलरेशन इतना कैसे आएगा, एक्सेलरेशन तो तभी आ सकता है जब फोर्स लगे,
यस सर। इसका मतलब सन ने जो इस प्लैनेट पर फोर्स लगाया सेंटर की तरफ, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन, हाँ या ना? हाँ सर। That is equal to ma, that is equal to mv square by r towards center. Center. है ना? इस फोर्स को क्या बोलते हैं? Centripetal force. Centripetal force. Centripetal force. क्या बोलते हैं इसको? Centripetal force. Now force is equal to mv square by r towards center. ये हमारा फोर्स का डेफिनेशन, इस फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए। अब इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, तभी तो ये लिखा ना, स्मॉल एम लिखा ना। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा चलो, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हम लोग यहां से लिख लिए एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या बोलेंगे, हमें मालूम है कि t square is proportional to r cube, मतलब कि t square is equal to k times r cube, इसमें कोई दिक्कत है? No sir. No sir. अब इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड होता कितना है, कोई बताएगा? क्या मैं टाइम पीरियड को 2 pi r by v बोल सकता हूँ? Yes sir. Yes sir. इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ t square is equal to 2 pi into क्या हो जाएगा यहाँ पे r square by v square, 2 pi का होल स्क्वायर मतलब, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. This is equal to k r cube होना चाहिए। Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ देखिए जरा, इसका मतलब ये हो गया कि एक एक काम करता हूँ, मैं एक आर को कैंसिल कर दे रहा हूँ, सिर्फ एक आर को कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वी स्क्वायर, चलो ठीक है आप लोग छोड़ो उसको, वी स्क्वायर निकालता हूँ। दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय के आर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हो जाएगा? यस सर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स होता क्या है mv स्क्वायर बाय r, है ना? v स्क्वायर मुझे पता है, इस v स्क्वायर को यहां बिठा देता हूं सर, रिप्लेस लिख सकता हूं, लिख सकता सो मैं लिख सकता हूं, यस सर। फोर्स इज इक्वल टू m बाय r इनटू v स्क्वायर इज 4 pi स्क्वायर बाय kr, हां या ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू हो गया 4 pi स्क्वायर बाय k टाइम्स m बाय r स्क्वायर। सर f इक्वल्स टू m बाय r कहां से मिला? क्या f इक्वल्स टू m बाय r? m बाय r नहीं, m बाय r इनटू दिस है, v स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां डाली है बेटा, ये mv स्क्वायर बाय r है ना, v स्क्वायर के लिए यहां से निकल के यहां डाल दी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ओके तो यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था ना, वो यहीं से आया था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, ये केप्लर्स लॉ से पता चला था। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। No, sir. नहीं ना, तो यहाँ तक कॉपी कर लो सर। डन सर, प्लीज वेट। तो बेसिकली ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना न्यूटन्स लॉ में, वो केप्लर्स लॉ से आता है, ठीक है? अब बोलोगे सर पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ तो ड्राइव नहीं हुआ, वो करना भी नहीं था, ये तक करना था, ठीक है? हालांकि इसके बाद हम लोग पहुंच सकते हैं वहां पे, कैसे समझो? ऑल्सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, हाँ या ना? यस सर। इसका मास प्लेनेट का मास। अब देखो यस सर, दुनिया है सिमेट्रिकल। क्या है दुनिया?
सिमेट्रिकल है। मतलब ये कि फोर्स कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे लगाया अपनी तरफ, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे अपनी तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा सेम फोर्स? यस सर। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं? एक्शन रिएक्शन कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। यस सर। अब सोचो बात को, कैपिटल एम ने जो स्मॉल एम पे फोर्स लगाया वो अगर स्मॉल एम के प्रोपोर्शनल है, तो क्या बाय सेम लॉजिक मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल एम जो कैपिटल एम पे फोर्स लगाएगा वो कैपिटल एम के भी प्रोपोर्शनल होगा? यस सर। यस सर। मैं इस आर्गुमेंट को डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए बोलना आसान है इसको लिखना मुश्किल है। देयरफॉर बाय सिमेट्री आर्गुमेंट, क्या कहते हैं? सिमेट्री आर्गुमेंट, एफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम। हाँ या ना? यस सर। देयरफॉर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। हाँ या ना? फोर्स कैपिटल एम के प्रोपोर्शनल है, फोर्स स्मॉल एम के प्रोपोर्शनल है, और फोर्स वन बाय आर स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है? यस सर। दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से जी इनटू कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये आपका बन गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो। सर हो गया। हो गया सर जी। हस सब जगह सेम होता है तो उसको निकाला कैसे गया था सर? सर जी का वैल्यू कैसे निकला? जी का वैल्यू कैसे निकला बेटा? इसके लिए बेटा देखो, अगर फोर्स पता है, मास पता है अर्थ का, डिस्टेंस पता है, मास पता है, समझो बात को, अगर हमें फोर्स पता हो, कैपिटल एम पता हो, स्मॉल एम पता हो, और आर पता हो, तो जी नहीं निकल जाएगा? सर जी का वो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकला सर? जी जो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है, वो कैसे पता चला था? वो हमें फोर इनडायरेक्ट तरीके से पता चला, ये 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 और ये कैलकुलेट करके। ठीक है? ओके सर। डायरेक्टली जी पता नहीं चलता है, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय कैपिटल एम स्मॉल एम हो जाएगा, उससे पता चलता है। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड नहीं है उसका। कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जाम्पल्स करने हैं आगे की थ्योरी करनी है? सर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स। यस सर, न्यूमेरिकल। यस सर, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ आगे की थ्योरी कितनी बची है। अगर आज खत्म हो जाएगी थ्योरी करा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अच्छे सारे एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है? हाँ सर। आज खत्म होने लायक मुझे दिख रहा है तो मैं पहले थ्योरी करा दे रहा हूँ। ठीक है? ये छोड़ो, एग्जांपल्स कर लो, थ्योरी में वो फिर फटाफट हो जाएगा, जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना? सो हमारे पास है एग्जाम्पल्स के नाम पर, आपकी बुक के एग्जाम्पल्स करा दे रहा हूँ मैं फिलहाल फटाफट। बताइए जरा, एग्जाम्पल नंबर वन आंसर बताइए। सर 1/4 हो जाएगा। क्या कर सकते हो? शॉर्टकट में ये लिख सकते हो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय
आर स्क्वायर. देयरफॉर एफ वन बाय एफ टू इज इक्वल टू वन बाय आर वन स्क्वायर अपॉन वन बाय आर टू स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एफ वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू आर टू क्या है, टू आर वन है ना, डिस्टेंस इज मेड ट्वाइस. तो टू आर वन का होल स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर. दिस इम्प्लाइज एफ टू इज इक्वल टू एफ वन बाय फोर. दिस इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन. ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं तो अगर पूरा अच्छा ये भी ऐसे ही किया कोई बात नहीं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर से तुरंत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक बार और दिखाएंगे पहला वाला. तो वो तो ऊपर लिखा हुआ है ना, सेम है. ठीक है, ठीक है. वाह, सर आप दूसरे चैप्टर सबका जैसे सारा फॉर्मूला एक जगह लिखा दिए वैसे इसका भी लिखा देते तो ज्यादा इजी होता, सारा फॉर्मूला सीधा याद कर लेते. तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, खुद से नहीं कर सकते ये काम? सर 365 इनटू 8 आ रहा है. मैं लिखवा दूंगा अलग बात है, बट ठीक है बेटा. 365 इनटू 8 मतलब कितना हुआ, 8 साल ही हुए ना, हाउ मेनी इयर्स लिखा है? हाँ सर, हाँ सर, मतलब 8 साल हुआ. ठीक है, तो देखो क्या होगा, t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब है ना? यस सर, ये था ना फॉर्मूला? यस सर, दिस इंप्लाइज अपने अर्थ को अगर मैं 1 लेता हूं तो t1 कितना हो गया, 1 ईयर हो गया, तो 1 स्क्वायर अपॉन t2 कितना है सर? t2 ही रख दिए, t2 निकालना है. अरे यार, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 बाय r2. r1 तो अर्थ का डिस्टेंस है, इसको r1 स्क्वायर लिख दे दो सर, क्यूब r2 क्यूब सॉरी, और डिस्टेंस कितना है, 4 टाइम्स है प्लैनेट का डिस्टेंस, 4r1 कर लिए, तो 4r1 का पूरे का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 बाय 64. दिस इम्प्लाइज t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इनटू 64. दिस इम्प्लाइज t2 इज इक्वल टू 8 इयर्स. ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत किसी को? आसानी से सॉल्व हो गया? यस सर, यस सर. ये वाला सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3.
सर 6.67 इंटू 10^-9 बाई 64 सर, उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, उतना छोड़ दो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, है ना। जी कितना है 6.67 इंटू 10^-11, एम वन कितना 20×50 बाय आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-8 अपॉन 64 न्यूटन। माइनस 9 नहीं होगा बेटा, 8 होगा, ध्यान से देखो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर, ये रहा सॉल्यूशन। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। mg wt का मतलब क्या? क्या mg वेट में देखो, सुनो मिलीग्राम वेट, किलोग्राम वेट जानते हो, ये मिलीग्राम वेट है। सर आंसर 7×10^-11 होगा। हाँ देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ज्यादा ये एमजी वेट परेशान कर रहा है आप लोगों को, है ना, यहीं पे सारा मामला अटक जा रहा है, तो पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो वन फोर्स जो है वो कितना है, 1 mg वेट है, 1 mg वेट, दैट इज इक्वल टू 10^-3 ग्राम वेट, दैट इज इक्वल टू 10^-6 किलोग्राम वेट, कोई दिक्कत? 1 kg वेट कितना होता है, 10 जी के बराबर, 10 न्यूटन के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन, फोर्स आ गया सबसे पहले। ये सबसे बड़ी समस्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमने सॉल्व कर ली। अब क्या बोल रहा है, दोनों बॉडीज के मासेस दे रखे हैं 40 kg एंड 80 kg और डिस्टेंस दे रखा है, फोर्स दे रखा है, ओके। तो मालूम है फोर्स कितना होता है बेटा, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज कैपिटल जी कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो दिस इज इक्वल टू फोर्स कितना है 10^-5, आर कितना है 0.15 मीटर, तो इंटू 0.15 का होल स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एम वन कितना है 40 kg, एम टू कितना 80 kg, तो 40×80, सो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225×10^-9, हाँ जैसे 225×10^-9
अपॉन 32 इंटू 10 टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, क्योंकि 32 7 जा कितना होता है 224 होता है, 225 है तो ठीक है 7.03 आएगा. कॉपी हुआ? यस सर. यस सर. आगे बढ़ूं? यस सर. यस सर. ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखो. उसको ट्राई करेंगे. हाँ आर्या, कुछ बोलना है आर्या रॉय? नो सर, गलती से हो गया था, मैं वो इनेबल साउंड कर रहा था. ओके ओके. Sir, over here it is given a particle of mass m1 is kept at x equals to 0. What is the meaning of x equals to 0 and x equals to a?
सर इज द आंसर 9/1 हाँ बेटा सही है देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है लेकिन इससे अच्छा एग्जांपल शायद आपकी बुक में है भी नहीं तो आराम से करेंगे देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये अपना वायक सही था पेन दिक्कत क्या हुई उसमें मान लेते हैं ये अपना क्या हो गया इसको अभी तो नया नया पेन लगा एक सेकंड मान लेते हैं ये अपना वाई एक्सिस है ये अपना एक्स एक्सिस है ठीक है कहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है वो x इज इक्वल टू जीरो पर रखा हुआ है और दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है वो x इज इक्वल टू a पर रखा हुआ है मतलब a कॉमा जीरो मान लेता हूँ मैं इसको कहा कि एक तीसरा पार्टिकल है जो कि x इज इक्वल टू a बाय 4 पर रखा हुआ है लेट से उसका मास नहीं दे रखा लेट से उसका मास कैपिटल m है ये डिस्टेंस a बाय 4 हो गई तो ऑटोमेटिकली ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 3a बाय 4 हो जाएगी हाँ या ना यस सर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कैपिटल m है इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो मुझे बताओ m1 और m2 का रेशियो क्या होगा या m2 बाय m1 क्या होगा ये बताना है ठीक है तो हम बोलेंगे इस पार्टिकल कैपिटल m को m1 अपनी तरफ खींच रहा होगा बाय फोर्स f1 और m2 अपनी तरफ खींच रहा होगा लेट से बाय फोर्स f2 क्या मैं लिख सकता हूं कि f1 इज इक्वल टू g कैपिटल m m1 बाय a बाय 4 का स्क्वायर आया ना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता yes, ये भी लिख सकता हूँ कि F2 is equal to G capital M M2 upon 3A by 4 का whole square ठीक है Now according to question ये particle rest पर है ये particle equilibrium में है मतलब इसके ऊपर net force zero है that means F1 has to be equal to F2 which implies G capital M small M1 upon a by 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एम टू अपॉन 3a by 4 का होल स्क्वायर जी कैपिटल एम कट गया एम टू बाय एम वन निकालना था इसलिए इधर एम वन को नीचे लेके चला गया तो क्या बचा एम टू बाय एम वन इज इक्वल टू 3a by 4 का स्क्वायर अपॉन a by 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 समझ में आया क्या हम कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल बीच में रखा हुआ है ये रेस्ट पर है इसका मतलब इस पर जो फोर्स M1 ने लगाया और जो फोर्स M2 ने लगाया दोनों इक्वल है मैंने बोला क्वेश्चन में दे रखा था ये a बाय 4 पे रखा हुआ मतलब ये डिस्टेंस a बाय 4 हो गया ये डिस्टेंस 3a बाय 4 हो गया मैंने दोनों मासेस से डिस्टेंस निकाल लिया इसका फिर मैंने दोनों मासेस m1 और m2 इस कैपिटल m पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसका फॉर्मूला लिखा g कैपिटल m m1 बाय a बाय 4 का स्क्वायर g कैपिटल m m2 अपॉन 3 बाय 4 का होल स्क्वायर ठीक है ये दोनों फोर्सेस आ गए नाउ क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए है ना मैंने दोनों को इक्वेट किया सीधे आंसर आ गया ठीक है सिर्फ दोनों को इक्वेट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा हाँ आगे बढ़े तो अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस के लिए काम करिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे एक बार अभी नहीं करेंगे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बस ले लिया डन ओके सर एक बार पहले वाला पेज दिखाएंगे सर डिस्कनेक्ट हो गया था डिस्कनेक्ट हो गया था
जी राव स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर ठीक है। ठीक है चलो फिर एग्जाम्पल्स तो आपके खत्म हो गए न्यूमेरिकल्स वाले। तो क्या किया जाए अब 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं तो उसमें नई थ्योरी भी नहीं पढ़ा सकते। काम करते हैं फिर ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं सब्जेक्टिव वाले ही। अगर आपसे कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन तो क्या करोगे? मेरे को आंसर देगा अभिमन्यु पॉल। अभिमन्यु पॉल व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? So gravitation is the pull which is given by the earth and its value is 9.8 meter per second square. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है बेटा। जब आपसे बोला जाए व्हाट इज ग्रेविटेशन तो आप जवाब दोगे ऑल द पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स ऑल द बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अप्लाई अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन ऑल द अदर बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है दैट इज एनी पेयर ऑफ टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अप्लाई एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर दिस force is called gravitation and the force between two point objects is given by g m1 m2 by r square ye baad mein jod sakte hain theek hai ha ha sir koi bhi deta hai na ye force ha matlab bhool gaya tha sorry sir theek hai okay state newton's law of universal gravitation ye mujhe batayenge deepneel ray acha bahut jaise hi maine questions puchna shuru kiya char log bhag gaye deepneel ray bataiye हाँ सर सर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट ऑल द हीवनली बॉडीज और ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अप्लाइज एन फोर्स ड्यू टू इट्स मास ऑन एनी अदर मास व्हिच इज हैविंग व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है इतना ऐसे नहीं बोलो थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ कर दिया लेकिन ठीक है यू अंडरस्टैंड आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है बट उसके अंत में एक चीज मेंशन कर दीजिएगा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर ये भी बोला था ना न्यूटन ने। हाँ सर नीचे फॉर्मूला लिख देंगे। नाउ लेकिन इंग्लिश भी ठीक रहोगे ऐसे इंग्लिश लिखोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा सामने वाले का। ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 3 हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज कौन बताएगा? आप बताएंगे श्रेयसी विश्वास। यस सर बताइए। सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ए क्या बोली स्क्वायर? Yes, sir. Square of distance between two bodies. समझ में आई बात? Not distance between two bodies. ठीक है? हाँ. State one natural phenomena which is related to gravitational force. Rishabh Kumar बताएंगे. Rishabh Kumar, one natural phenomena related to gravitational force. That the earth pulls the object. The earth pulls the object को नीचे पुल करता है प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है चलो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर? ये कौन बताएगा? रेशु कुमारी। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। दिया दास आप बताएंगे स्टेट केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Sir, Kepler's first law states that all planets revolve around sun in an elliptical part with sun at its one of the foci. ठीक है, elliptical part नहीं बोलते, elliptical orbit बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। Shanti Palmi, state Kepler's second law of planetary motion. The second Kepler's second law of planetary motion states that the line joining sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time. ठीक है। कौन बचा? कौन बचा? सागरिका। सागरिका, state Kepler's third law of planetary motion. सागरिका चली गई भाग नहीं है तो ओके कोई और बता दो। शिवम आप बता दो। शिवम
Yes, sir. Third law? Yes, sir. The time period of revolution in whole square is directly proportional to r cube. Sir, it states that t1 whole square by t2 whole square is equals to r1 whole cube by r2 whole cube. ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं सुन लो. केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. ठीक है सर, एक बार और बताइए. द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट. ठीक है, बेसिकली जो आपने जो मैथ्स में लिखा था उसको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, कुछ नया थोड़ा ना बता रहा हूँ. ठीक है, ओके, हु गिव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन. नेम द फोर्स रिस्पांसिबल फॉर क्या? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सागरी का. ठीक है सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ. Who gave the universal law of gravitation? Newton. Name the force which is responsible for revolution of planets around the sun. Gravitation. Yes. What is the value of universal gravitational constant? 6.67 into 10 to the power minus 11. Name the SI unit of capital G. फटाफट बताइए SI unit of capital G क्या होता है? Newton kg square per Newton meter square. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना? ओके. नेम द साइंटिस्ट हू गिव थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर. व्हिच ऑफ केपलर्स लॉ रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब? थर्ड लॉ. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ अर्थ two bodies on the earth is 4 newton. What will be the gravitational force in two bodies on the surface of moon? Sir, 1/6 ho jayega. Sir, 1/6. 1/6 ho jayega. Sir, same hi reh jayega. Same rahega bhai. Nahi, kam hoga. Sir, kyunki moon ki to wo alag baat hai. Moon kitna force laga rahi hai thoda na pucha. Do objects ek dusre pe kitna force laga rahi hai ye pucha. तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता क्या कहता है? दो ऑब्जेक्ट्स ले लो, उन दो ऑब्जेक्ट्स को आप इंडिया में रख दो, पाकिस्तान में रख दो, अमेरिका में रख दो, समुंदर के अंदर रख दो, आसमान में रख दो, चंद्रमा पे रख दो, सूरज पे रख दो, जुपिटर पे रख दो, चाहे जहां रख दो, अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपने चेंज नहीं किया, उन दोनों का मास आपने चेंज नहीं किया, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे. दैट इज गिवन बाय जी m1 m2 बाय r स्क्वायर. And capital G is a constant anywhere. So, आप मून पे जाओ, चाहे अर्थ पे रहो, चाहे जुपिटर पे जाओ, फोर्स सेम रहेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. 4 न्यूटन का 4 न्यूटन ही रहेगा. ठीक है? ओके. कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 6.67 इनटू 10 टू द माइनस 11 है, तो मून के सरफेस पे कितनी होगी? सेम ही रह जाएगा. सेम रहेगी, कैपिटल जी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ठीक है बेटा. चलो ठीक है सब. ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाना चाहता हूँ, एक बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो आज देखो क्लास आज खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म करके हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स भी इस चैप्टर के पढ़ेंगे. ठीक है, मुझे याद दिलाना कि मैंने सुन लो बात को एक बार मुझे याद दिलाना कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगा एक्स्ट्रा, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो वाली. ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा. पोटेंशियल एनर्जी मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो छूट जाएगा. ठीक है, और ओके सर. ठीक है, ओके सर. चलिए ओके सर. ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कब तक होगा? नेक्स्ट क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे. ठीक है सर, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोग का एग्जाम इसी चैप्टर पर है, इसीलिए. यस सर. तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा बेटा, चिंता ना करो. 7 जुलाई है ना, 14 जुलाई को खत्म हो जाएगा. 14 से ही शुरू है.
14 को कौन सा कौन किसका एग्जाम है? और डेट शीट नहीं मिली सर, डीएवी का नहीं, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है 14? डेट शीट नहीं मिली सर, सर डेट शीट तो नहीं मिला। अच्छा अगर ऐसा है तो आपका, अच्छा आप एक बात, तो आपका ये चैप्टर अरविंद सर तो खत्म कर चुके हैं ना एक बार? बेसिकली स्कूल लेवल पे तब तैयार हुई थोड़ा सा ही तो, और मेरे को पढ़ाने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, हार्डली आधे घंटे का चैप्टर बचा है आपका ये वाला, ठीक है जो सिलेबस में है। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो मेरे को पूरा क्लास लगेगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, ओके बेटा गुड नाइट।